हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रोनू क्लोडा और मैं आपके लिए कार्स और बाइक्स से रिलेटेड बहुत सारे नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, RONAK स्पेस LODHA रोनू क्लोडा सर्च करके। यहाँ पे जो पहले ही आप उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। सो इस और बेल बाजू के बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। सो जो भी मैं नया वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आपको सबसे पहले उसका अपडेट आ जाएगा या फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी ये मारुति की सैलरी है। मैं अभी इसके बारे में, इसके सर्विसिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये कार की सर्विसिंग में क्या क्या किया जाता है। सो ये वीडियो मेरा आप एंड तक देखिए उसके लिए। अभी ये जो है, ये मारुति का सेलेरियो का पेट्रोल का इंजन है, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ ये वीडियो में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। हमारा जो इंजन ऑयल होता है, तो ये इंजन ऑयल कौन सा डाला जाता है, जो जो सेलेरियो के लिए डाला जाता है वो 0W20 ग्रेड का डाला जाता है या फिर 5W30 ग्रेड का इंजन ऑयल इसमें डाला जाता है। उसके बाद में इसका जो बदलते वो ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, बस 150-200 तक इसका ऑयल फिल्टर आ जाता है। और जो ऑयल की भी कॉस्ट होती है वो कुछ साधारण से अगर सर्वो का ले तो 1500 का आता है 0W20, 5W30 उससे ज्यादा कॉस्टली आ जाता है। तो अभी बात करें तो यहाँ पे इसका एयर फिल्टर सिचुएटेड होता है। सो ये निकालने के बाद इसके पीछे हमें एयर फिल्टर मिल जाते हैं। सो जो ये एयर फिल्टर होता है ये कुछ 150 या 200 के लगभग में आ जाते हैं। ये हर हमें 30,000 किलोमीटर के बाद बदलना पड़ता है। कंपनी का ऑथोराइज 40,000 किलोमीटर है, बट अगर हम इसको 30,000 पे बदल दे तो इसका परफॉर्मेंस कार अपनी मेंटेन करती रहेगी फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं, आपको यहाँ पे भी एक रेडिएटर का दिख रहा है और यहाँ पे भी एक दिख रहा है। तो ये कूलेंट लेवल का कूलेंट होता है, इसमें कूलेंट डाला जाता है। इसमें कुछ 3.5 या 4 लीटर का कूलेंट डाला जाता है कुल मिला के, यानी कि 1.5 लीटर अगर कूलेंट है तो उसमें 2.5 लीटर हम पानी मिला देते हैं। तो ये भी कूलेंट जो है ये हमें हर 30,000 किलोमीटर के बाद चेंज कर देना चाहिए। अभी यहाँ पे इंजन के नीचे स्पार्क प्लग होते हैं। ये स्पार्क प्लग हमें हर 40,000 किलोमीटर पे रिप्लेस करने और हर 10,000 किलोमीटर पे हमें इसको क्लीन करके लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये हमारा ब्रेक का फ्लूइड है जिसे हम हर 40,000 किलोमीटर पे रिप्लेस कर देते हैं। और जिसके आप यहाँ पे एक बड़ा डब्बा देख रहे हैं वो जिस पे 60 लिखा है वो हमारा ब्रेक बूस्टर होता है, जिसे हम हमारे ब्रेक की सिस्टम है पूरी वहां पे। यहाँ पे जो है हम हमारा फ्लूइड का वॉशर डाल देते हैं, यानी कि वाइपर का पानी डाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल भी बना हुआ है फ्रेंड्स। हमें सर्विसिंग के टाइम पे हमारे कार की ये जो बैटरी के नट होते हैं इसको खोल के भी चेक कर लेना चाहिए, इसमें वाटर लेवल कितना अच्छा है। अभी अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टर्मिनल पे को ग्रीसिंग नहीं किया हुआ है, पॉजिटिव का भी ऐसा ही है। सो इस तरह से अगर आपके रहा तो बैटरी को भी डैमेज कर सकता है। सो आपको ये टर्मिनल टाइम टू टाइम लेके क्लीन भी करना है। अभी ये जो टर्मिनल है इसके खराब है, इस पे ब्लू कलर की कोटिंग आती है क्योंकि ये टर्मिनल को जंग ना लगे इसलिए फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा जो फ्यूल फिल्टर होता है कार में वो हर हमें 40,000 किलोमीटर के बाद रिप्लेस करना होता है। अभी फ्रेंड्स ये हमारा ब्रेक पैड है। ब्रेक पैड के हमें ये जो कैलिपर है उसके अंदर में पैड होते हैं फ्रेंड्स। ये साइड में 2 पैड आते हैं और बाजू के साइड में 2 पैड आते हैं, ऐसे कुल मिला के कार में 4 पैड आते हैं। तो हमें ये 4 पैड हर सर्विसिंग में क्लीन करने पड़ते हैं या फिर और उसको ग्रीसिंग भी करना पड़ता है। और फ्रेंड्स हमारे जो पीछे के टायर है यहाँ पे हमें ब्रेक पैड नहीं, ये ड्रम ब्रेक आते हैं, तो हमें यहाँ से इसको पूरा निकाल के क्लीन करना होता है। वो सब स्प्रे से क्लीन किया जाता है। और बाकी जो बेसिक करते हैं वो डोर को ग्रीसिंग कर देते हैं या फिर इंटरनल कूलिंग कर देते वैसे। और हमें हर 10,000 किलोमीटर पे एसी का जो कंडेंसर और कंप्रेसर और वहां पे नीचे फिल्टर भी होता है, मैंने मेरे वीडियो में बताया कि इसका फिल्टर कैसे क्लीन करते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर आपको एक लिंक भी दे दूंगा तो आप वो वीडियो भी